हरियाणा रोडवेज दीआं बसां बारे एक मैसेज सोशल मीडिया ते वायरल होया सी। हुण इस मामले ते कैबिनेट मंत्री अनिल विज नूं स्पष्टीकरण देना पिया है। अंबाला विच मीडिया नाल गलबात करदिआं अनिल विज ने दस्सिया कि एक मैसेज दा खंडन करदिआं कहा कि सरकार वल्लों अजिहा कोई हुक्म जारी नहीं कीता गया। हरियाणा दे ट्रांसपोर्ट अते ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने सोशल मीडिया संदेश दा खंडन करदे होए कहा कि कुछ गलत अफवाहां फैलाईआं जा रहीआं ने कि जेकर कोई बस च खड़े हो के सफ़र करेगा तो उसनू टिकट नहीं लैनी पवेगी, जबकि अजिहा कुछ भी नहीं है। अनिल विज नू इस बार ट्रांसपोर्ट मंत्री बनाया गया है और मंत्रालय का अहुदा संभालते ही वह हरकत विच नज़र आए ने। अजे दो दिन पहला ही उन्होंने रोडवेज की बस में सफ़र करके अंबाला तो करनाल तक बस स्टैंड का निरीक्षण किया सी अते एक अधिकारी नू मौतल भी किया सी। विज अपने वक्रे अंदाज लई जाने जाते हैं। दिल्ली च प्रदूषण को लैके हरियाणा से लगे दोषों से शनिवार को मीडिया नाल गलबात करते हुए विज ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपनी गलती लई दूजिआं नू दोषी ठहराउंदी है। पंजाब विचों धुआं आ रहा है अते इस नाल प्रदूषण भी हो रहा है। उन्हें कहा कि हरियाणा के सबका मुख्यमंत्री भुपिंदर सिंह हुड्डा का बयान झूठा साबित होया है। विज ने कहा कि हुण जो हुड्डा साहिब चाहते सन वह नहीं होया, पर इस तों अलावा पंजाबी की एक कहावत है नहाती धोती रह गई मूँह ते मक्खी बह गई, उन्हां दी सरकार नहीं बनी, इस करके वह बहुत निराश ने। हुड्डा ते व्यंग करदिआं विज ने कहा कि हुड्डा साहब ने पहला ही अधिकारियों दीआं मीटिंगां करनियां शुरू कर दित्तियां अते बतौर मुख्यमंत्री भी उन्हां नूं आदेश देण लग गए सन, पर उन्हां नूं अजे भी जनता की नब्ज़ नहीं पता।